लाहौर समेत सूबे भर में रेस्टोरेंट्स को लगे ताले खुलने की उम्मीद। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए NCOC के इजलास में पेश किया जाएगा। कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में अहम फैसले। पंजाब में मार्केटें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 4 दिन काम की इजाज़त। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात कारोबार, जुम्मा हफ्ता इतवार को शटर डाउन रहेंगे। औकात कार सुबह 9 से 5 बजे तक होंगे। जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा हुआ तो बदतरीज पाबंदियां नरम करने पर गौर करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान। रेस्टोरेंट्स मालिकान का हुकूमत से छोटे रेस्टोरेंट्स को 3 माह के यूटिलिटी बिल्स माफ करने का मुतालबा। बड़े रेस्टोरेंट्स को बिल्स में 50% रिलीफ दिया जाए। रेस्टोरेंट यूनिटी वफ की सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात। रेस्टोरेंट्स मालिकान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए भी तैयार। सुपर स्टोर्स एंड ग्रोसरी स्टोर्स एसोसिएशन का औकात कार 9 से रात 10 बजे तक किए जाए। तमाम कारोबार को इजाज़त मगर थिएटर्स और सिनेमा बंद हैं। अदाकारों का हुकूमत से थिएटर्स और सिनेमा खोलने का मुतालबा। स्टेज वालों ने सबसे ज्यादा तआवुन किया। हमारा हक है, काम करने दिया जाए। अदाकार नसीम विकी, अमानत चंद PTI धरने से हुकूमत में आई। क्या हुकूमत चाहती है कि हम भी धरने से थिएटर्स में आए? इफ्तिखार ठाकुर और दीगर की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की जानिब से माली इमदाद न मिलने का भी गिरा। छुट्टियों में बेहतियाती करने का अंजाम। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। मरीजों और अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। 560 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 9597 तक जा पहुंची। पंजाब भर में 919 नए मरीज सामने आ गए। मूजी वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान 19 अमवात। पंजाब भर में हलाकतें 381 हो गईं। फैसलाबाद में 95, गुजरांवाला में 38, सियालकोट में 23, लोधरा में 27, खुशाब में 19 और रहीम जारखान में 13 नए केसेस सामने आ गए। मूजी वायरस में मुब्तला 6,326 अफराद सेहत याब हो चुके। महकमे सेहत। सरकारी महकमे कोरोना की लपेट में। 5 महकमे वायरस से मुतासिर। SP सिक्योरिटी बिलाल जफर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। फूड अथॉरिटी के 12 मुलाजमीन में वायरस की तशखीस। मुलाजमीन टेस्ट मस्बत आने पर करंटीना सेंटर मुंतकिल। एडमिन, फाइनेंस, ड्राइवर्स और सिक्योरिटी विंग के मुलाजमीन के टेस्ट मस्बत आए। LJ के 2 एहलकारों में वायरस की तस्दीक। असिस्टेंट लीगल एडवाइजर और सीनियर क्लर्क में वायरस। महकमा हायर एजुकेशन के 2 डिप्टी सेक्रेटरीज वायरस में मुब्तला। महकमा बल्दियात के फाइनेंस ऑफिसर में भी वायरस की तस्दीक। DIG ऑफिस में भी कोरोना के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। लोगों की आमद और रफ्त बंद। DIG और SSP ऑपरेशंस ने दफ्तरी मामलात मौतल कर दिए। कोरोना वायरस के फ्रंटलाइन सिपाहियों पर हमले। महकमे सेहत की टीमों के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पुलिस दफा तिरामद। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, रीडर ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, PRO ब्रांच, पुलिस खिदमत मरकज के मुलाजमीन के टेस्ट किए गए। स्क्रीनिंग का मकसद एहतियाती इकदाम है। DIG ऑपरेशंस, SSP एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रमजान पैकेज खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर पुरानी कीमतें बहाल। लाल मिर्च 18 रुपए इजाफे से 175 रुपए किलो हो गई। दाल माश 10 रुपए, बेसन 20 रुपए, बासमती चावल 5 रुपए, कुकिंग ऑयल 20 से 30 रुपए फी लीटर महंगा। चाय की पत्ती 23 रुपए, मशरूबात 25 रुपए लीटर तक महंगे। दूध के डब्बे पर भी सब्सिडी खत्म। 20 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमतों का फौरी इतला।
पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने शुगर स्कैंडल पर कमीशन की रिपोर्ट पर मिनोअन अमल का मुतालबा कर दिया। कपास के एरियाज में शुगर मिले लगने पर वजीर आजम से नोटिस का मुतालबा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब्सिडी मिल्स मालिकान लेता है और काश्तकार अपने पैसे तक वसूल नहीं कर पाता। हर हुकूमत में काश्तकारों का इस्तेहसाल होता है। सदर चौधरी खालिद महमूद और दीगर ने कहा, गरीब आवाम ने 50 रुपए वाली चीनी 80 रुपए किलो में खरीदी। हुकूमत चीनी का रेट मजीद कम करवाए और आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लिया जाए। मुल्क बहरानों में है, हुकूमत को कुछ पता नहीं, वज़ीर-ए-आज़म कंफ्यूज्ड हैं। दिफा और मौश दोनों का मजबूत होना जरूरी है। हमें खतरात का मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। कोरोना वायरस और दीगर बहरानों से कौम को निकालने और मुत्तहिद करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ नहीं किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का यौम तकरीर पर तकरीब से वीडियो लिंक खिताब, कहते हैं, इन हालात में सियासत नहीं करनी मगर हकायक से नजरें नहीं हटाई जा सकती। भारतीय गरूर को खाक में मिलाने के 22 साल मुकम्मल। मॉडल टाउन में यौम तकबीर पर तकरीब। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। मुल्क में मईशत तबाह, इदारे खत्म हैं, नौजवानों के पास कारोबार है ना ही रोजगार। एहतसाब होना चाहिए लेकिन सबका। हुकूमत जुल्म के जितने भी पहाड़ तोड़ ले, हम मजबूत हो रहे हैं। सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक और राणा सनाउल्ला और दीगर का खिताब। नवाज शरीफ के साथियों ने कुर्बानियां दी, सख्तियां झेली, बदतरीन दहशत धोंस और धांधली का सामना किया। हमें नवाज शरीफ के बावफा साथियों पर फख्र है। मरियम नवाज का यौम तकबीर पर ट्वीट। नवाज शरीफ के सब साथियों को सलाम पेश किया, कहती हैं, जिनको नजर नहीं आ रहा अल्लाह इनको भी दिखाएगा। एटम बम इत्तफाक फाउंड्री में तैयार नहीं हुआ। ऑल शरीफ और मुस्लिम इग्नून का एटमी धमाकों का क्रेडिट लेना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मुस्तदाक है। वजीर इत्तलात फियाजुल हसन चौहान नून लीग पर बरस पड़े, कहते हैं, सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ एटमी धमाके करने के सख्त खिलाफ थे। तैयारा हादसा के शहीदों के गमजदा खानदानों के जख्म अभी भी ताज़ा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खालिद शेरदिल शहीद की रिहाइश का आमद। गवर्नर ने अहले खाना से ताज़ियत की। खालिद शेरदिल मेहनती, फर्ज शनास और ईमानदार ऑफिसर थे। गवर्नर पंजाब महकमा मनसूबा बंदी और तरक्यात में शहीद खालिद शेरदिल के लिए दुआया तकरीब। चेयरमैन PND बोर्ड हामिद याकूब शेख और दीगर ने शहीद की खिदमात को शानदार करार दिया। रहनुमा PTI जास चौधरी शहीद एयर होस्टस अनम खान के घर गए। पूरी कौम दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है, एजाज चौधरी। हुकूमती अरकान भी नैब के रेडार पर। वजीर लेबर और इंसानी वसाइल अंसर मजीद नियासी के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड भी तलब। वजीर लेबर पर पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से रिश्वत वसूल करने का इल्जाम। अंसर मजीद मुबैना तौर पर अफसरान को ट्रांसफर पोस्टिंग का डर देकर रिश्वत वसूल करते रहे। जराए मुखालफीन की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नैब की जानिब से मेरे खिलाफ तहकीकात शुरू करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान। भारत से पाकिस्तानियों की वापसी के बाद पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों की भी सुनी गई। भारत ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को वापस आने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान 300 भारतीय शहरियों को भारत रवाना करेगा। 80 के करीब भारतीय तालिब इलम लाहौर की यूनिवर्सिटीज में जेरे तालीम है।
सकलैन मुश्ताक और ग्रांड ब्रेडबर्न की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तकरियां। सकलैन मुश्ताक की बतौर हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट तकरूरी, ग्रांड ब्रेडबर्न हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग मुकर्रर। तकरियां हाई परफॉर्मेंस सेंटर की रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। तर्जुमान पीसीबी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बड़ा एहसास है सकलैन मुश्ताक। और शहर के मौसम के रंग निराले, झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शहर का मौसम पलट गया। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके अब्रे रहमत का पता देने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज तक तेज बारिशें मुतवक्के। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अलर्ट जारी। बारिशों के दिनों में वासा मुलाजमीन की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई।